हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज मैं आपको एक पेंटिंग केक बनाना सिखाने वाली हूँ। जी हाँ, इसके लिए देखिए, हमें इस तरह से यहाँ पर एक केक लेना है जिसको हमें अच्छी तरह से कवर कर लेना और उसको चिल कर लेना है। इसके साथ हम यहाँ पर न्यूट्रल जेल लेंगे और जेल कलर्स लेंगे, उसी से हम इसको पेंट करने वाले हैं। इससे बहुत ही आसान हो जाता है, हम कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है न्यूट्रल जेल ली है, ये आसानी से मिल जाती है। इसको हम अच्छी तरह से व्हिस्क कर लेंगे एक कटोरी में डालकर। आप चाहें तो एक दो ड्रॉप्स जो है पानी के भी डाल सकते हैं, पर इसी तरह से भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो हम एक मिक्सिंग प्लेट लेंगे जिसमें हम इसको अच्छी तरह से कलर बना सकें। तो यहाँ पर मैंने जेल कलर्स का इस्तेमाल किया है। आप जेल कलर्स ही लें और लिक्विड कलर्स या दूसरे कलर्स इस्तेमाल ना करें। तो देखिए, इसको इसके लिए यहाँ पर मैं एक ड्रॉप जो है येलो कलर की ले रही हूँ। जो पिक्चर मैं बना रही हूँ उसमें मैं नीचे वाला पोर्शन जो है वो येलो कलर से करूँगी। तो एक ड्रॉप येलो कलर की और उसके अंदर आधा चम्मच जो है वो मैं न्यूट्रल जेल डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर वाइट जो है वो जेल कलर डालेंगे। अगर आप वाइट जेल कलर नहीं डालेंगे तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा कलर बनेगा आपका। और अगर आप वाइट कलर हरे कलर में ऐड करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर जो है वो हमारे कलर को मिल जाता है और पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप जो ब्रश हैं वो फ्रेश लें और केक के लिए ब्रशेज अलग रखें। घर में जो आप पेंटिंग के लिए ब्रशेज यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल ना करें। मैं आपको ब्रश के नंबर्स बता दूंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इसको करने के लिए। बिगिनर्स के लिए इस तरह से केक पेंट करना बहुत ही ईजी है और आसान है, पर आपका केक जो है वो चिल होना चाहिए ताकि आपके व्हिप्ड क्रीम जो है वो बाहर को नहीं आए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं नीचे इसको काफ़ी हल्के हाथ से, हमें अच्छी तरह से कलर को लेना है और उसको स्प्रेड करना है। जेल कलर्स काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं और हमें इसको काफ़ी लाइट हाथ से जो है अच्छी तरह से नीचे पूरा का पूरा बना लेंगे। अब देखिए, इसी तरह से मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले रही हूँ। ब्लू कलर के अंदर हम न्यूट्रल जेल मिक्स करेंगे और वाइट कलर भी मिक्स करेंगे, तो इससे हमारा जो है स्काई का इमेज आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए, काफ़ी अच्छा ब्लू कलर बन जाता है। अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप थोड़ा सा ही ब्लू कलर डालें और वाइट कलर जो है वो ज़्यादा डालें। अब देखिए, ब्लू कलर से मैं इसमें थोड़ा सा और वाइट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा शेडिंग भी दे सकते हैं, पहले थोड़ा सा लाइट कर लें और फिर डार्क कर लें। तो अब देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो एक आधा ड्रॉप पानी का भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर केक बनता है और बिगिनर्स के लिए ये, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा और कम क्रीम में ये केक बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। आप किसी भी तरह से स्काई को जो है डिपिक्ट कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे कलर के साथ, काफ़ी कलर देखिए, इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। हमारे पास बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं केक की। अगर आपको केक को किस तरह से व्हिप्ड क्रीम बनाना चाहिए, किस तरह से कवर करना चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे आसानी से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए, इसके लिए हम ग्रीन कलर बनाएंगे, तो मैं ब्लू के अंदर ही डार्क ग्रीन थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छा कलर लाइट ग्रीन सा बन जाएगा। आप चाहें तो डार्क ग्रीन भी सेम न्यूट्रल जेल और वाइट कलर मिला के कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ का इफेक्ट दे रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा डॉटेड लाइन्स जो हैं हमारे ब्रश के साथ इस तरह से बना लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रश लिया है, तो हम इस तरह से डॉट्स बना देंगे ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर जो है वो आ जाए। अगर आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ये न्यूट्रल जेल को अच्छी तरह से मिक्स करें और आपका केक काफ़ी अच्छे से ठंडा होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से मैं सारी जगह पर लगा लूँगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो करें, यमी ट्रीट्स विद मीना। आप उसको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और उसको लाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं पिंक कलर बना रही हूँ। मैं चेरी ब्लॉसम ट्रीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसमें। तो देखिए, इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने पिंक कलर लिया है, उसके अंदर हमने न्यूट्रल जेल और वाइट कलर जो है उसको मिक्स करके अच्छी तरह से हम उसका एक कलर बना लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका न्यूट्रल जेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं, बट सिर्फ एक आधा ड्रॉप ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें। यहाँ पर देखिए, मैंने ईयरबड्स लिए हैं, एकदम नए ईयरबड्स हैं, और उसके साथ मैं इस तरह से डॉट्स बना दूँगी जिस तरह से हम पेंटिंग्स में बनाते हैं। आप चाहें तो ब्रश के साथ भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आप इसको
या बड्स के साथ भी इस तरह से डॉट्स डॉट्स बना सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी पेंटिंग कलर से ड्राइंग्स बनाई हैं या ऑयल पेस्टल से इस तरह से की पेंटिंग्स बनाई हैं। मुझे पेंटिंग करना बहुत ही पसंद है, बट रियली मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा इसमें बनाने के लिए, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। पर मुझे ऐसा लगा कि एक बिगिनर के लिए मुझे ये केक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं या फिर आप इस केक को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, वो आप ज़रूर जानें। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे डॉट्स लगा देंगे जितना आपको इसको एक टेक्सचर देना है। तो ये काफ़ी ग्लॉसी सा रहता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप चाहें तो केक को किसी भी तरह का बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट केक बनाया है। तो देखिए, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाइट कलर भी ऐड कर रही हूँ, बीच बीच में वाइट कलर दे रही हूँ। आप चाहें तो पर्पल कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर्स आपके पास हैं उस तरह से आप दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम बीच बीच में थोड़े थोड़े वाइट कलर से भी थोड़ा सा इसको टेक्स्चर दे देंगे। अब देखिए, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छा कलरफुल सा हो गया है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक पाथ जो सेंटर में है उसको एक पाथ का डिज़ाइन देना चाहती हूँ। तो मैंने ब्लैक कलर को थोड़ा सा मिक्स किया है, उसको मैं थोड़ा सा ग्रे कलर बना रही हूँ वाइट कलर मिक्स करके। तो ये देखिए, इस तरह से मैं साइड्स पे थोड़ा सा इसको एक पाथ का इमेज दूंगी। तो थोड़ा सा मैं ब्रश के साथ इसको थोड़ा थोड़ा हम ग्रे कलर जो है उसको स्प्रेड कर देंगे ताकि एक पाथ की तरह लगे वो। पेंटिंग कलर्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पेंटिंग केक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, आप इसको जरूर ट्राई करें। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक कलर में हम वाइट कलर नहीं ऐड करेंगे और उसको हम एज इट इज़ ही इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से पेड़ की जो है वो टहनियाँ बना रही हूँ। और देखिए, मैंने बीच में ये थोड़ा सा एक गर्ल और बॉय बनाने की कोशिश की है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ये केक बहुत ही पसंद आया होगा, आप इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे बहुत ही अच्छे केक के साथ, और एक शेयर तो ज़रूर बनता है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, और अपने लिए ये केक ज़रूर बनाएं। थैंक यू।